हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी, तो मैं सुबह सारा काम ख़त्म करके नहा के और पूजा कर ली हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बच्चों को भी नहा ली थी फ्रेंड्स, तो बच्चे ना नहा धो करके अभी देख रहे थे आप अभिराज को, वो बिस्किट खा रहा था। और मैं इधर जो है अभी सब्जी बना रही थी, तो आलू और प्याज की मैं सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे खाना भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ही सब्जी बना रही सिर्फ अंशु और अंशु के पापा के लिए। तो इतना में उनका दिन भर का हो जाएगा सब्जी। तो चलिए अभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं, क्योंकि अभी जो है हमारे घर में झंडा पूजा होगा, तो इसी के लिए वो नहा रहे हैं। और अभी हम सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि नीचे का पूजा का तैयारी कैसा चल रहा है। तो अभी हम इसे रख देते हैं ढक के, और चलिए मैं आप लोगों को ले जाती हूँ, पूजा की तैयारी दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे तैयारी हो गया है पूजा का। तो हमारे देवता जो है वो सब में भी आज ना मतलब इस तरह से दूधी मट्टी से लीप के और पूजा किया जाता है, तो वही पूजा हो रहा था। और यहाँ पे झंडा के ऊपर बांस में ये आम का पत्ता आप देख रहे हैं वो बंधाएगा, तो उसके लिए भी इस तरह बंधा हुआ है। और यहाँ पे देखिए झंडा को जो है पहना चुके हैं, और यहाँ पे आम का पत्ता भी बंध रहा है, देख सकते हैं। और सभी लोग मिल के कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। और अभी ऊपर ले जाएंगे, और बहुत लंबा था ये हमारा झंडा, बहुत मतलब कि छत से भी ऊंचा था, देख सकते हैं नीचे से पकड़े हैं, और ये देखिए कितना ऊपर तक है। और अभी ऊपर जाके पूजा करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड्स, मेरे ससुर जी अभी पूजा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से ही पूजा करते हैं। और देखिए धूप जो है वो मतलब धूप डालने के लिए आग भी जला के ले आए हैं। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स बच्चे ना आगे पीछे घूम रहे थे, तो ये लोग तो सुबह ही नहा लिए थे ना, इसीलिए वो लोग भी आए हुए थे। और यहाँ पे अंशु भी खड़ा है, जो कि देख सकते हैं आप परछाई में, वो मोबाइल लेके खड़ा हुआ था, वही वीडियो बना रहा था। और मैं इधर साइड में थी, मैं भी देख रही थी पूजा। सब लोग हम लोग छत पर ही थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जैसे जैसे पूजा कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई साल तो करना पड़ेगा ही हम लोगों को भी। और अभी तो जब से झंडा पूजा होता है तब से मेरे ससुर जी ही करते हैं, क्योंकि अभी वही करते हैं पूजा। सिर्फ मेरे हस्बैंड सिर्फ ऐसी मतलब जैसे कि बांस को लाना हो गया, या तो फिर झंडा को पकड़ना, इस तरह से वो भी करते हैं, मतलब साथ में ही रह के दोनों ये पूजा को करते हैं अच्छे से। और हर घर में देखते होंगे आप लोग कि जो घर के बुज़ुर्ग रहते हैं वही पूजा करते हैं, अगर बुज़ुर्ग कहीं चले जाते हैं तो फिर उनके बेटे लोग ये पूजा करते हैं। तो हर साल की तरह फ्रेंड्स इस साल भी मेरे ससुर जी ही पूजा किए हैं, और घर का हर पूजा जो है वो मेरे ससुर जी ही करते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो देखते हैं सीखते हैं, ताकि हमें भी करना पड़ेगा। तो यही सब है। और यहाँ पे देखिए पूजा हो गया है, प्रसाद भी चढ़ा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम नीचे चलते हैं, क्योंकि मैं सब्जी बिठा के आई थी। और तो चलिए अभी हम नीचे मिलते हैं आप लोगों से। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स हस्बैंड लोग नाश्ता कर लिए थे, हस्बैंड और अंशु अभी सब लोग नाश्ता कर लिया प्रसाद वगैरह खा के। और हमको जो है मतलब थोड़ा सा खाली देखे और काम मिल गया है। तो देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो यही है सबसे मेहनत वाला काम। पंखा आज खोले थे, काफ़ी गंदा हो चुका था, तो वही हमको दे दिए हैं कि बैठे बैठे साफ़ कर लो। तो अभी हम साफ़ कर लेते हैं, ये देखिए तो वाइट है ना पंखा, तो हल्का सा भी अगर काला लगता है तो बहुत ख़राब दिखने लगता है। और जब मैं साफ़ कर ली थी तो बहुत अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल एकदम नया के जैसा दिख रहा था।
तो अभी हम चलिए ये सब कर लेते हैं, और हस्बैंड भी साथ में है तो अभी मतलब बहुत स्लो चलता था ये पंखा, तो आज घर में है फ्रेंड्स तो बोले कि बना लेते हैं ये है। क्योंकि घर में जल्दी नहीं रहते हैं इसी वजह से छूते भी नहीं हैं कोई काम को, तो आज मैं देखी थी खाली तो वो खुद से मतलब ये साफ़ करने लगे, क्योंकि बाद में फिर उन्हीं को करना पड़ता। और यहाँ पे देखिए पूरा खोल दिए थे क्योंकि ना मतलब पता नहीं पंखा को क्या हुआ था, बहुत स्लो चलता था, दो दो कनेक्टर लगा हुआ है फिर भी बहुत स्लो चल रहा था, तो वही चेक कर रहे थे ये। और ये सब करते पूरा शाम हो गया था फ्रेंड्स, और शाम हो गया था तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो इससे पहले ना मेरे हस्बैंड गए थे मतलब बच्चों को लेके घुमाने के लिए चले गए थे, और मैं सो गई थी थोड़ा देर तो मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो वो ना प्रसाद लेके आए हुए हैं, भंडारा का प्रसाद। तो देखिए अभी अंशु अभी दोनों खा रहा था, तो अभिराज जो है अभिराज है वो चना और बूंदिया खा रहा है, और यहाँ बूंदिया है, और हम लोग यहाँ पर हलवा पूड़ी और सब्जी है चना की, तो हम लोग ये प्रसाद खा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स छत के ऊपर, इतना अच्छा ठंडा हवा भी चल रहा था, और मतलब जिधर भी देखे ना पूरा नया नया झंडा लगा हुआ है सबके आंगन पे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलिए अभी हम लोग प्रसाद को खा लेते हैं। अभी ना छांट छांट के खा रहा, वो चना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स अभी रात हो गया है, लगभग 8:30 बज रहा था और हम लोग निकल गए थे जुलूस देखने के लिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा रामनवमी मनाया जाता है। मतलब साल भर का ये त्यौहार ना बहुत धूमधाम से मनाते हैं रामनवमी। और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, इतना भीड़ मतलब देखने में समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर ना बच्चे जो हैं वो मतलब कुछ अपना अपना कला दिखा रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा से ये हाथ में कुछ लिए हुए हैं उसी से ये ना कुछ कला अपना दिखा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद इधर आगे आने के बाद यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा था, तो काफ़ी दूर में थे फ्रेंड्स तो मैं जूम करके ले रही थी तो यहाँ पता नहीं चल रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी भीड़ था और रात के 9 बज रहे थे, तो हम लोग आ जाते हैं। वैसे तो 12-1 बजे रात तक ये प्रोग्राम चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मैं भी घर जा रही हूँ।